और तो शिवसेना को देंगे, बाला साहब ठाकरे वाले उदय ठाकरे बीजेपी को नहीं वोट देंगे। क्या वजह है? सही में अच्छा तो काम कर रही है। क्या काम अच्छा कर रही है? समय आने तो आ जाएगा, फिर देखेंगे। शिवसेना है तो शिवसेना को देंगे। यहाँ से तो शिवसेना से तो नरेश चंद्र सर खड़े हैं। हाँ तो उनको देंगे, उनको देंगे। नहीं नाम बताइए ना। मेरा नाम सरवर खान है। इलेक्शन आ रहा है, क्या लगता है माहौल कैसा? माहौल तो ठीक ही है अभी। किसको देंगे वो? और तो शिवसेना को देंगे, बाला साहब ठाकरे वाली उदय ठाकरे। क्या बाला साहब ठाकरे भक्त है क्या? भक्त नहीं है। अब उन्हीं को वोट देंगे, अब किसको वोट देंगे? बीजेपी को नहीं दे सकते। नहीं नहीं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है ना, कर रहे हैं। लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट तो अभी उन्हीं को देंगे, जो काम करेगा उसी को देंगे ना। तो बीजेपी काम नहीं कर रही है। काम तो वो भी कर रही है। यानी कट्टर कट्टर शिवसेना नहीं, कट्टर नहीं है, उसी को वोट देते हैं हम लोग। हाँ यहाँ से नरेश चंद्र सर खड़े हो रहे हैं। अब मालूम नहीं कौन कर रहे हैं, किसी के बारे में मालूम नहीं है। परिवर्तन होगा? अब क्या बताएं, परिवर्तन होता है नहीं होता है, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही हमेशा चलेगा। बाला साहब ठाकरे बीजेपी को वोट नहीं देना? बीजेपी को नहीं वोट देंगे। क्या वजह है? सही में अच्छा तो काम कर रही है। क्या काम अच्छा कर रही है? शिंदे सरकार अच्छा काम कर रही है। नहीं, हम उदय को देंगे भाई। यानी कुछ भी हो जाए हम उदय वाड़ा साहब को। यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? यहाँ से 9 नंबर में है, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी। नरेश नहीं है, नहीं एक मिनट समय आने तो आ जाएगा, फिर देखेंगे। मन में कुछ नहीं? नहीं मन में अभी फिलहाल कुछ नहीं। शिवसेना है तो शिवसेना को देंगे। यहाँ से तो शिवसेना से तो नरेश चंद्र सर खड़े हैं। हाँ तो उनको देंगे, उनको देंगे। नहीं नहीं कोई काम नहीं किया है, हमने कोई काम नहीं किया है। अरे कहाँ फूल, फूल से थोड़ी कुछ होता है। कुछ नहीं ऐसा, खाली बोलते हैं इतना देंगे इतना देंगे, देते हैं नहीं। अरे कितनी लोगों को तो पैसे मिले? हाँ पैसे मिले हैं, बोलते हैं कि हाँ हम देंगे, देते हैं नहीं। अरे लेकिन कितनी लड़कियों है जिनको पैसा मिले? नहीं मिला है। शिवसेना या कांग्रेस दोनों में से किसी को जो चॉइस मिला, मैं शिवसेना को नहीं तो कांग्रेस खड़ी हो कांग्रेस को। क्या चाहते हैं? बीजेपी को इस बार पूरी तरह से हरा देना? बिल्कुल। क्यों? बीजेपी तो कहा, बीजेपी बीजेपी और शिंदे जो तीनों मिलके काम कर रहे हैं बहुत बराबर, अच्छा तो काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बदलाव तो है नहीं। हाँ देखता हूँ सब कोई काम यहाँ पे किए होंगे। लड़की बहनों को कितना पैसा दिया? लाडली बहनों तो पैसा आ रहा है, तो उनका काम है तो आ रहा है, इलेक्शन जीतना है तो दे रहे हैं, इलेक्शन बंद हो जाएगा काम। अभी 5 लाख का इंश्योरेंस भी करवा दिया है उन लोगों ने। हम लोग का तो नहीं हुआ भाई, 5 लाख का नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो 5 लाख हुआ होगा। जिसका फायदा हुआ उसको देंगे, मेरा फायदा नहीं हुआ तो मैं नहीं दूंगा। मैं अपने की जिम्मेदार हूँ एक कोर्ट का। यहाँ से बीजेपी से जो है, बीजेपी नहीं ये नरेश चंद्र कौले, तो अब दोनों में जो खड़े होंगे, जैसे भी आपके शिवसेना है न तो कांग्रेस है, ये लक्ष्य है जिताने का। तो
नरेश सर को वोट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, मिलेगा। ऑल पब्लिक है, देंगी। मेरा सिद्धांत यही है देने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, वोट किसको दें? जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे वोट। यहाँ पे बीजेपी यानी कि मंगेश को लड़कर जो सिंधे गुट के हैं, प्लस में आपका शिवसैनिक खड़े हो रहे हैं, ये नरेश चंद्र कावले, दोनों में से कौन सा? जिसकी काम की विफलता अच्छी होती है उसी को वोट दिया जाता है। ये तो जिस दिन अंगूठा लगेगा उसी दिन, जिस दिन स्टंप लगेगा उसी दिन मालूम पड़ेगा मतलब किसको देना है। लेकिन होता है ना कि 5 साल में किसने काम किया, तो 5 साल में जिसने काम किया है पूरी गवर्नमेंट मतलब जमीन की जनता देख रही है कौन काम किया अच्छा कौन नहीं। नाम ले लीजिए। नाम कैसा ले लें, वो तो वक्त ही बताएगा नाम किसका लेना है किसका नहीं लेना है। वोट देने का जिम्मेदारी जनता को ही होती है, तो जनता अगर देखती है कि कौन अच्छा काम करता है, किसके विपरीत हमको जाना है किसके विपरीत में नहीं जाना है, वो तो जनता ही उसी वक्त संपर्क करती है। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ अभी भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है।